हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके साथ बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया का लेटेस्ट सर्कुलर शेयर करेंगे, जो कि 9 दिसंबर को जारी किया गया है। यह सर्कुलर यूनियन की जनरल काउंसिल मीटिंग के बारे में है। जनरल काउंसिल मीटिंग 7 और 8 दिसंबर को पटना में हुई है। इस मीटिंग में कुछ डिस्कशन हुई जो कि 8 जनवरी 2020 को होने वाली ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन हुई है। यह स्ट्राइक भी मर्जर के अगेंस्ट की जाने वाली है, यानी कि अब बैंक यूनियन 8 जनवरी को ऑल इंडिया स्ट्राइक करने जा रही है, जो कि 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मर्जर के अगेंस्ट होगी। यूनियन चाहती है कि इस मूवमेंट को स्ट्रेंथन करके इस स्ट्राइक को पूरी तरह से सक्सेस बनाया जाए, जिससे कि मर्जर के बाद आने वाले प्राइवेटाइजेशन के स्टेप को रोका जा सके। इस स्ट्राइक में यूनियन 30 सितंबर को हुई मीटिंग में रखी गई 12 डिमांड्स को साथ लेकर चलेगी। यूनियन इस बार चाहती है कि सभी इम्प्लॉयज एंड ऑफिसर, विशेषकर यंगर सेक्शन भी इस स्ट्राइक को पार्टिसिपेट करें, जिससे सभी को मर्जर से होने वाले खतरे और आने वाले प्राइवेटाइजेशन के बारे में जानकारी हो। उनका कहना है कि गवर्नमेंट मर्जर को करके बैंक्स को प्राइवेट करना चाहती है, इसलिए वो मर्जर को अपोज कर रहे हैं। इस मीटिंग में बाइपार्टाइट सेटलमेंट के इश्यूज पर भी डिस्कशन हुई। उनका कहना है कि बैफी परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव को भी अपोज करती है, लेकिन यूएफबीयू द्वारा इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। इन सब पॉइंट्स पर डिस्कशन चल रही है। इसके साथ साथ रिटायरीज इश्यू, आरआरबी, कोऑपरेटिव सेक्टर, नाबार्ड के डेवलपमेंट पर भी डिस्कशन हुई। फ्रेंड्स, इस लेटर में मेन बात यही निकल कर आई है कि यूनियन 8 जनवरी 2020 को ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक करने जा रही है और 17 फरवरी 2020 को यूनियन एक धरना बिफोर पार्लियामेंट करने जा रही है, और यूनियन चाहती है कि सभी बैंक एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स इस स्ट्राइक को पार्टिसिपेट करें। फ्रेंड्स, इस सर्कुलर में यही सब जानकारी दी गई थी। इसी तरह की लेटेस्ट बैंकिंग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।